ऐसे है दोस्तों, मैं हूँ चंद्रेश ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी अपनी YouTube चैनल चंद्रिष्टि। तो आज का जो वीडियो है वो सेल के ऊपर है, स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है ये। इसमें मैं जो है सेल के ऊपर कैसा फर्दर अपडेट रहा, कैसा मूवमेंट रहा वो देख लेंगे, और साथ ही साथ में डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर उसका कैसा मूवमेंट था वो भी हम जो है इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में ओपन करूं तो ये जो है शॉर्ट टर्म का अपना व्यू बयां करेगा। आने वाले 2 से 3 महीनों में सेल जो है अभी 84 के CMP के आसपास जो है सेल घूम रहा है, और यहां से हम इसको गिने कि ये ए वेव डेवलप हुआ है और ए वेव के बाद यहां पर अभी उसका बी वेव डेली टाइम फ्रेम का बाकी है। बी वेव डेवलप होने के बाद सेल जो है एक बार फिर से यहाँ पर सी वेव के लिए आएगा, और ए प्लस बी में जितना वक्त यहाँ पर लगेगा उतना ही टाइम उसको जो है यहाँ सी वेव में भी लगाना पड़ेगा। ए प्लस बी इक्वल टू सी साबित होगा। और यहाँ पर और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है अगर रिट्रेस करके यहाँ पर 87-84 के आसपास जा सकता है, तो नीचे के लेवल में आपको एक बार वो दिखाना चाहूँगा उसके कि वो जो है मैक्सिमम 77 तक नीचे भी जो है वापस आ सकता है। तो ये दोस्तों था मेरा सेल का डेली टाइम फ्रेम का व्यू। एक बार इसको मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, क्योंकि इलियट वेव न्यू वेव मंथली टाइम फ्रेम में काफ़ी टाइम से ये फंसा हुआ है। अप्रॉक्स हम गिने तो 15 से 16 साल का वक्त जो है इसने बिता दिया है अपने इस मंथली टाइम फ्रेम के आसपास घूमते घूमते। तो ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही वक्त स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बिता लिया है। और एक बार जो है उसने यहाँ पर, मैं 2021 की बात करूँ तो निकलने की कोशिश की, 150 के आसपास वो अच्छे से गया भी था, और वापस जो है वो 200 EMA के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर निकला है। तो ये जो है दोस्तों एक मंथली टाइम फ्रेम की बड़ी करेक्शन है। बट ये भी मैं बात आपको बता दूँ कि ऐसे ही स्टॉक जो है मल्टी बैगर साबित होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, और आने वाले वक्त में ऐसे ही स्टॉक जो है अपने आप को हीरो साबित करते हैं मल्टी बैगर, क्योंकि इसका वक्त जो है गुजर चुका है, प्राइस भी गुजर चुका है। तो कब ये निकल जाए और कब ऐसा मोमेंट आ जाए कि ये जो है 80 रुपये से बढ़कर डायरेक्ट 120 या ऐसा 30-40 रुपये का मोमेंट जो आ जाए ऐसे ही स्टॉक में। तो दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर ये फिर से हो सकता है 68 के आसपास आ सकता है, बट ऐसा श्योर नहीं है कि आए यहाँ से ऊपर से ये नीचे आया और यहाँ से वापस ऊपर की चाल जो है ये रीटेस्ट करके वापस भी जा सकता है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों अपना सारा का सारा नज़रिया क्लियर हो रहा है, एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से ये स्टॉक जो निकला था उसके बाद ये वीकली टाइम फ्रेम के 200 EMA के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो हमारा अगर फ्रेश एंट्री हम इसमें अभी के लिए लेते हैं 84 के आसपास, तो ये वाला अपना स्टॉप लॉस बैठेगा दोस्तों 63 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पर ये जो है ऊपर मैं गिनूँ तो यहाँ से 80 रुपये से अगर मैं गिनूँ तो 160-150 का टारगेट आ सकता है। ये जो है टारगेट गोल्डन गेट थियरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में ये जो है आपकी कैपिटल को डबल कर सकता है। तो ये मेरा व्यू था सेल के ऊपर दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बेस्ट टाइम है इसको बाय करने के लिए, और मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बेस्ट बाय है। डेली टाइम फ्रेम में एक थोड़ा सा अभी कंसर्न है कि यहाँ पर इसका बी वेव डेवलप हो रहा है, तो इसको बी वेव 87-84 के आसपास जाने के बाद ये जो है वापस नीचे की साइड जो है आ सकता है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 13 फरवरी पर मेरा ये व्यू है कि इसको जो है बाय करके जाना चाहिए। आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, आने वाले 2-3 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाय कीजिए। और शॉर्ट टर्म के लिए ये जो है एक बार नीचे की साइड डीप डाइव लगाएगा, और वो डीप डाइव उसका जो है हो सकता है कि 80 रुपये से नीचे का हो। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो है डिफरेंट अपडेट हमारी वीडियो और स्टॉक के ऊपर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।